हेलो गाइस, मैं साक्षी, साक्षी कैनल से। ये है मेरे फादर मिस्टर मिंटू यादव, ये है मेरा भाई आर्यन यादव। सो गाइस, हम मोर देन 20 इयर्स से रॉटविलर्स को ब्रीड कर रहे हैं और लगभग 10 साल से हम एम्स्टेफ को भी ब्रीड कर रहे हैं। एम्स्टेफ को फर्स्ट टाइम हम ही इंडिया में लेके आए थे मेरे फादर, जिन्होंने हमें ये इतना खूबसूरत कैनल तैयार करके दिखाया और हमारे लिए एक बेस सेटअप कर दिया ताकि हम अपनी ब्रीडिंग गेम को और स्ट्रॉन्ग कर सकें और भी ऊपर लेके जा सकते हैं। इन्होंने हमें रॉटविलर्स और एम्स्टेफ के बारे में इतनी नॉलेज दी कि क्या ब्रीड क्या होता है, हर चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमें बताया, हमें सारी चीज़ें समझाई और हमारे लिए एक बहुत अच्छा बेस सेट करके दिया है। एंड आई थिंक ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आई नो एंड ही डू सो मैनी थिंग्स फॉर मी एंड फॉर माई ब्रदर ऑल्सो आर्यन, एंड ही इज़ द बेस्ट डैड। चलिए गाइस, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रॉटविलर मेरी फेवरेट ब्रीड क्यों है, क्योंकि मेरे को उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा लगता है, उनकी लुक्स बहुत अच्छी लगती है। ये दो पॉइंट है जो मेरा प्यार रॉटविलर की तरफ और ज़्यादा बढ़ा। और लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक र्यूमर्स ऐसे होते हैं कि रॉटवाइलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है। वो मेरा तो कोई भी रॉटवाइलर अब तक ऐसा एग्रेसिव नहीं हुआ है। वो आई थिंक एक ऑनर पर डिपेंड करता है कि हम अपने डॉग को कैसे बड़ा कर रहे हैं, कैसे हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि हम उसको सोशलाइज कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि वो एग्रेसिव होते हैं। सो गाइस, रॉटवाइलर्स काफ़ी हार्ड वर्किंग ब्रीड है, ये कभी भी आपको लेजी फील नहीं होने देंगे। इनके साथ आप खेलो, इनको वर्कआउट कराओ, इनकी ट्रेनिंग कराओ और ये बहुत ज़्यादा फन लविंग भी हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको प्यार भी करेंगे, बहुत अटैचमेंट हो जाती है। मैं आपको अपने कैनल के डॉग्स के बारे में बताती हूँ। इस टाइम मेरे पास मोर देन 15 डॉग्स हैं कैनल पर अभी। सो हमारा रीसेंट जो डॉग हमने इम्पोर्ट कराया है वो है बेनेटन। ये है वर्ल्ड का बेस्ट प्रोड्यूसर का बेटा है। इस साल हमने बेनेटन के साथ साथ दो फीमेल्स भी बाहर से मेट करके मंगाई थी। पहली मारिया सनी डे, जो हमने कॉडेक्स से मेट करके मंगाई थी, जिनकी प्रोड्यूसिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपके निकली है। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के पपीज़ आए हैं, उनकी बॉडी, उनका हेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। गाइस, ये जो मारिया और कॉडेक्स का जो लिटर था, इसमें से दो बच्चियाँ मैंने अपने लिए भी रिटेन की हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। जो हमारी नेक्स्ट फीमेल है एविटा सनी डेज, ये हमने एमिनम से मेट करके मंगाई थी। इनकी प्रोड्यूसिंग भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हुए थे इनके भी। टा और एमिनम का जो ये कॉम्बिनेशन था, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब एंड फाइन क्वालिटी रॉटवाइलर्स का आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, कि इनके अंदर वो हर चीज़ थी, हर चीज़ है जो एक परफेक्ट रॉटविलर में आपको चाहिए, मतलब बॉडी, हेड, देयर टेम्परामेंट, एवरीथिंग। हमारे कैनल में अभी लगभग 7 इम्पोर्ट्स हैं, जिसमें से कि 1 मेल है एंड 6 फीमेल है। एंड जो हमारे कैनल की सबसे ज़्यादा फेवरेट सबकी और सबसे खूबसूरत फीमेल है, वो है निकिता एम्पेरियल वॉरियर, जो कि पपी वर्ल्ड विनर IFR 2015 भी रही। निकिता को हमने लगभग अब से 3 साल पहले लिया था फ्रांस से। ये काफ़ी अच्छी विनिंग भी इसने की हुई थी बाहर एंड बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वालिटी एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर फीमेल है। इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। निकिता को हमने आस्को और लिंटोनियस से मेट कराया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन के निकला और वही एक रीज़न था कि इस लिटर से हमने 3 फीमेल रिटेन की। बहुत ही खूबसूरत फीमेल्स जो कि अभी मेरे पास ही हैं वो तीनों बच्चियाँ। निकिता और आस्को का कॉम्बिनेशन आई थिंक हमारा जो बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन में से एक था। इसकी जो हमने तीनों डॉटर्स, जो 3 डॉटर्स हमने रिटेन की हुई हैं, वो तीनों ही एक से बढ़कर एक है। उनका बॉडी टाइप, उनका स्ट्रक्चर, वो बहुत ही ज़्यादा फायरी हैं, सुंदर है। जिनमें से एक को हमने सीज़र से भी मेट कराया, जो कि बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बन के निकला। हमारे साक्षी कैनल का जो मोटिव है वो यही है कि हम इन रॉटवाइलर्स को और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, फाइन क्वालिटी दे सकें,
गेम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अच्छे लेवल पे अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड एकदम हाई करते हुए रॉटवाइलर्स को लेके जाएं। वो मे बी रॉटवाइलर्स को लेके अवेयरनेस आए कि वो कितनी अच्छी ब्रीड है, कितनी लॉयल ब्रीड है, रॉटवाइलर्स दिखता कैसा है, मतलब लोगों के लगता है कि एकदम शॉर्ट स्नाउटेड होना चाहिए, वो एक रॉटवाइलर को पग की तरह देखने लगते हैं कि एकदम पंच फेस चाहिए। वो अवेयर करना और दिखाना कि एक परफेक्ट रॉटवाइलर होता क्या है। ये फादर मिस्टर मिंटू यादव, जिन्होंने लगभग अब से 20 साल पहले एक छोटे से रॉटवाइलर पपी से अपना काम स्टार्ट किया था, ब्रीडिंग स्टार्ट की थी, और धीरे 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 वो अपना कैनल बढ़ाते गए। उन्होंने बाहर से डॉग्स भी इम्पोर्ट कराने स्टार्ट किए, काफ़ी डॉग बाहर से इम्पोर्ट भी कराए, काफ़ी हमने अपनी होम प्रोडक्शन भी तैयार की, हमने शोज़ किए, बहुत सारे हमारे डॉग्स जीते भी हैं। स्टोरी ऑफ साक्षी परी का नाम सबने सुना होगा, वो बहुत ही हमारी सुंदर एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट विनिंग फीमेल थी, जिसने अच्छे अच्छे डॉग्स को रिंग में हराया, जो कि लगभग हमेशा BOB जब भी हम उसे शो में लेके जाते तो कभी खाली हाथ नहीं आते थे, कोई ना कोई ट्रॉफी हमारे साथ ज़रूर आती थी। तो ये मेरे फादर की मेहनत इतनी और रॉटवाइलर्स को लेके प्यार, उनका पागलपन कि वो बस चाहते हैं कि इस ब्रीड को और अच्छा बनाएं, अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें, अच्छा करें। मेहनत से, लगन से अपना कैनल तैयार किया, अच्छे डॉग्स लिए, ब्रीडिंग की, फिर उन्होंने धीरे धीरे हमें भी ट्रेनिंग करना, थोड़ा थोड़ा समझाना डॉग्स के बारे में, डॉग शोज़ में जाना उनके साथ, उनकी नॉलेज देना डॉग्स के बारे में, नए नए ब्रीडर्स से मिलवाना कि कैसे होता है, क्या होता है, एक अच्छा रॉटवाइलर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमें भी बतानी स्टार्ट की, ताकि हमारा भी इंटरेस्ट रॉटवाइलर्स में आ ही जाए। एंड कहीं ना कहीं वो आ ही गया कि धीरे धीरे हमने भी डॉग शोज़ में जाना स्टार्ट किया। इवन जब मेरा फर्स्ट डॉग शो जब मैं निकिता को लेके गई थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी वहाँ पे कि इतने सारे ब्रीडर्स के बीच में मतलब मैं कैसे जाऊँगी, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कैसे होगा सब कुछ, कैसे नहीं। बट काफ़ी थोड़े से मोटिवेटिंग लोग भी होते हैं वहाँ पे, एंड थोड़े से रिंग में डीमोटिवेटिंग लोग भी होते हैं। जैसे कोई मेरे पीछे से आया एंड मेरे आगे से डॉग भगा के ले गया एंड बोला कि साइड हट जा वरना मेरा डॉग काट लेगा तुझे। तो बहुत ऐसे डीमोटिवेटिंग लोग भी होते हैं कि मतलब सोच रहे हैं कि एक छोटी बच्ची डॉग लेके खड़ी है तो ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो इसको हरा ही देंगे इजीली। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा मैं उसमें नर्वस थी, सब कुछ भी थी, बट स्टिल मेरी जो फीमेल थी वो RBOB लगी एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि मैंने फर्स्ट टाइम शो किया था एंड मेरे पास एक ट्रॉफी आ गई है। फिर मेरा भी इंटरेस्ट इसमें आ गया, रॉटवाइलर्स में, इनकी ब्रीडिंग में, कि हम कैसे अपना कैनल और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए एक बेस सेट कर दिया कि अब तुम्हारा मैंने बेस बना के दे दिया, अब इस कैनल को तुम ही लोगों को ऊपर लेके जाना है। तो उन्होंने धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई, हमें ट्रेन कर दिया कि हमें डॉग को ट्रेन कैसे करना है। अब हम अपने डॉग्स को ट्रेन भी करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग 2 से 3 हमने उनके लिए केयरटेकर्स भी रखे हुए हैं जो कि हमारी हेल्प भी करते हैं। तो उनका खाना, हम अपने रॉटवाइलर्स को बेस्ट से बेस्ट फूड देते हैं, जो भी अच्छा फूड होता है उनको बीफ चिकन एंड राइस देते हैं डिनर में, एंड हम उनको कर्ड पनीर, बहुत ही अच्छा फूड, मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम, जिससे उनकी कोट कंडीशन एकदम परफेक्ट रहे एंड सब कुछ। ये सब हमने अपने फादर से सीखा कि तुम कैसे अपने डॉग को अच्छा ट्रेन कर सकते हो, कैसे उसकी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। हम ये चाहते हैं कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेरे फादर ने हमें सेट करके दिया है कि एक अच्छा बच्चा हम रॉटवाइलर का कैसे तैयार कर सकते हैं, एक अच्छे रॉटवाइलर को कैसे तैयार कर सकते हैं, कि जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी उन्होंने मेंटेन करके रख रखी है, हम उसको और ज़्यादा ऊपर लेके जाएं, उसे और ज़्यादा फाइन कर सके कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत, कितना अच्छा बेस सेट करके दिया, तो हम भी अपने पपीज़, अपने डॉग्स बहुत अच्छे से रेडी करें, जो कि बहुत शोज़ भी जीते हैं, उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो, धीरे 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 करके। रॉटवाइलर्स के अलावा मेरे डैड ने लगभग 10 ईयर्स पहले अभी एमस्टेफ, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। हमसे पहले ये ब्रीड इंडिया में कोई लेके नहीं आया था, हम ही इसको फर्स्ट टाइम इंडिया में लेके आए थे, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर, जिसको लोग पिटबुल से कंपेयर करते हैं, अमेरिकन बुली से कंपेयर करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अलग ब्रीड है। एमस्टेफ भी काफ़ी सारे इम्पोर्ट कराए, जैसे मिको, ईवियन,
लीमैन एंड लीमा, मतलब काफ़ी सारे इम्पोर्ट कराए हमने एमस्टर्फ भी। एंड इसकी एक टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसकी अभी भी काफ़ी डिमांड है, और जब हम इसे लेके आए थे तो इसकी बहुत एकदम से डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि बहुत ही नई ब्रीड थी यहाँ पे इंडिया के लिए। एंड लोग इसको बट स्टिल पिटबुल से कंपेयर करने लगते हैं कि ये पिटबुल है, बट ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी अलग होते हैं ये पिटबुल से एंड बहुत ज़्यादा सुंदर भी होते हैं इनसे। इनका इनमें एग्रेशन नहीं होता बिल्कुल भी, लोग इनको जज करते हैं कि ये तो एग्रेसिव है, पिटबुल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में काफ़ी सारे एमस्टर्फ हैं एंड आज तक उन्होंने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस भी होती है इनमें एंड ये फ़न लविंग होते हैं। इनको वर्कआउट चाहिए, इनको डेली वर्कआउट कराओ, थोड़ा सा बहुत लो मेंटेनेंस ब्रीड है ये, ना ही इनमें से स्मेल आती है बिल्कुल। अब जो मेरे डॉग्स मंगाए थे हमने बाहर से, मिको जो मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डॉग था वो अब नहीं है इस दुनिया में, एंड वो लगभग 13 से 14 कंट्री चैम्पियन डॉग था मेरा, और वो यहाँ पे आके भी जीता। बट उसका एक हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हम उसको शो में लेके गए थे एंड उसके सामने जज ने एक छोटे से अमेरिकन बुली को जिता दिया जो कि एमस्टर्फ था भी नहीं, उसको जिता दिया। तब हमें बहुत बुरा लगा कि हमने इतना महंगा डॉग लिया है एंड जज को एमस्टर्फ की नॉलेज ही नहीं है और उसने एमस्टर्फ के आगे अमेरिकन बुली को जिता दिया। हमें यही नहीं पता कि उसके पेपर्स कहाँ से आए हैं, कहाँ उसका कौन ब्रीडर है कौन नहीं, बिकॉज एमस्टर्फ तो हम ही लेके आए हैं एंड इंडिया में लगभग आज के टाइम पे बहुत सारे एमस्टर्फ भी हो गए हैं और अब लोग धीरे धीरे एमस्टर्फ को समझने भी लगे हैं कि एमस्टर्फ काफ़ी अलग है। लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि पिटबुल, एमस्टर्फ, अमेरिकन बुली कितने अलग हैं, बट इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि एमस्टर्फ को अमेरिकन बुली से कर दिया मिक्स एंड पाकिस्तानी बुली को पिटबुल से मिक्स कर दिया। वो अपनी अलग ही ब्रीड बनाने के चक्कर में है, वो एक ब्रीड को प्योरीफाई और फाइन करना उनका मोटिव नहीं है। उनका मोटिव ये है कि बस पैसे कमाने हैं और बच्चे बेचने हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है, उनको पता नहीं है कि एमस्टर्फ चीज़ क्या है, एमस्टर्फ की ब्रीडिंग क्या है, वो कैसा डॉग है कैसा नहीं। उनको मिक्स कराने हैं और बच्चे बेचने हैं और लोगों को पागल बनाना है कि ये तो एमस्टर्फ है और ये अमेरिकन बुली है या कुछ भी है। क्योंकि बात कर रहे हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पे इंडिया में जजेस को भी एमस्टर्फ की नॉलेज नहीं है। अगर हम सही कहें तो जजेस भी एमस्टर्फ के आगे अमेरिकन बुली, पिटबुल को जिता देते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि एमस्टर्फ होता क्या है। अगर यहीं पे फॉरेनर जज आ रहा है, अगर मैं लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं, तो वो हमारे इंडिया में ही शो हुआ था कि उसने सारे डॉग्स को आउट 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 कर दिया था। वो देखती पहचान गई थी कि एमस्टर्फ है क्या, वहाँ पर सिर्फ हमारे 4 to 5 डॉग्स थे और सबके पीछे ऑफ साक्षी, वो सारे हमारे कैनल से थे एंड जितने भी मिक्स ब्रीड थे उसने सारे आउट कर दिए। एटलीस्ट उसको नॉलेज थी कि एमस्टर्फ होता क्या है, बट यहाँ पे तो जजेस को क्या और लोगों को क्या एमस्टर्फ की नॉलेज ही नहीं है। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि एमस्टर्फ है क्या, कितनी एग्रेसिव भी नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि तो काट देगा, इसमें बहुत एग्रेशन है। एग्रेसिव भी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही पोलाइट फ्रेंडली नेचर के होते हैं। एंड अगर मैं अभी अपने एमस्टर्फ की बात करूँ तो इस टाइम मेरे पास 4 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, एक इम्पोर्ट मेल है, एक इम्पोर्ट फीमेल है और बाकी सारे ब्रीड इंडिया, जो कि सारी मेरी प्रोडक्शन करी हुई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्रीड, इतने ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके जाना एमस्टर्फ को। एंड एमस्टर्फ ऐसा नहीं है कि शोज़ में लोग जीतते नहीं हैं, बहुत सारे लोग जीतते भी हैं, ट्रॉफीज़ भी लेके जाते हैं, बहुत कंपटीशन भी हो गया है एमस्टर्फ में आजकल। ऐसा नहीं है कि आपको 1, 2, या 3 डॉग्स दिखेंगे, काफ़ी डॉग्स, और ख़ासकर साउथ की साइड अगर हम देखें तो वहाँ पे काफ़ी एमस्टर्फ होते हैं, लगभग 20-25 एमस्टर्फ भी होते हैं एक रिंग में। तो काफ़ी लोग इसके बारे में नॉलेज भी कलेक्ट कर रहे हैं आजकल, थोड़े से अलर्ट भी हो गए हैं कि क्या हमें ये एमस्टर्फ लेना चाहिए, लोगों को पता लगने लगा है क्वालिटी के बारे में क्या है क्या नहीं। गाइज एट लास्ट मैं बस यही बोलना चाहती हूँ अपने कैनल की तरफ से भी कि चाहे आप कोई भी ब्रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी वो ब्रीड है, चाहे वो पिटबुल है, रॉटवाइलर है या लैब्राडोर है, उस ब्रीड को अच्छी से अच्छी क्वालिटी तक लेके जाने की कोशिश कीजिए। अपने पैसे के बारे में ना सोच के उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई करने के कि कैसे हम इस ब्रीड को और ज़्यादा प्योरीफाई और फाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में भी सोचिए। थैंक यू सो मच गाइज फ्रॉम साक्षी कैनल्स।